इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास में क्या दुकान से मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। आप सभी को ये असाइनमेंट टाइम से सबमिट कर रहे हो ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछ रही थी कि सर आपने डे वन और डे टू वाला शेयर ही नहीं किया। चलो मैं शेयर कर देता हूँ। सर मेरी बस डे थ्री वाली रह गई है, मैंने डे वन और डे टू कंप्लीट कर दी है। ना ऐसे आप लोग टाइमली करते जाओगे ना तो आप लोग भले से एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन लास्ट तक जाते जाते ना आप लोग अच्छा कर रहे हैं। मैंने बोला है सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल दूँ थोड़ा सा रुकते हैं दो चार मिनट रुकते हैं कुछ बच्चे और आ जाते हैं। सर कल की केमिस्ट्री की नोट्स नहीं मिले। अरे यार आप लोग मैसेज भी करें। चलो आज से आज ना आज आज भी सेम चीजें पढ़ा ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन सेम चीजें पढ़ा लेंगे ठीक है। क्लियर है? ओके सर। थोड़ा सा रुकते हैं तो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर डाउट्स के लिए पूछ रहा था मैं। हाँ जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बता रहा हूँ बता। हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ सर राधे राधे। सर डाउट्स था मेरा कि जो केमिस्ट्री में जो ब्रांचिंग होती है वो सर बॉइलिंग पॉइंट से कैसे रिलेटेड होती है, ये मुझे इसमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अपना एलएलकेन के लिए अलग होता है, एल्कोहल एनालिटिक के लिए अलग होता है, या एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी
सर अल्कोहल के लिए मतलब मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ब्रांचिंग से कैसे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो ब्रांचिंग से तो नहीं पता, लेकिन एक्सपेरिमेंट देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिर डाटा दिया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो जिसका ज्यादा ब्रांचिंग होता गया ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता गया, तो डायरेक्टली बोल दिया गया। इसमें पहले क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है फिर होता है। तो लेकिन तो ब्रांचिंग में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड हो जाता है, तो और स्ट्रांग हो जाना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसे बहुत मुश्किल होगी तोड़ने में। तो फिर क्यों हम ऐसा कह देते हैं कि कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कांसेप्ट आता है, बहुत कुछ कांसेप्ट आता है। आप तो ऐसे नहीं बोल सकते, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कांसेप्ट आता है, क्योंकि बात एक जगह कई जगह एक हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, कई जगह दो हाइड्रोजन करता ठीक। और सर वो एक दूसरा पूछना था मुझे, स्टेरिफिकेशन में जो हम आर सी डबल बॉन्ड हो आर करते हैं, तो उसमें जो आर डैश होता है उसमें हम जो बॉन्ड तोड़ते हैं ओ आर एच का, तो वो इस साइड से तोड़ेंगे, लेफ्ट से कहीं से भी तोड़ सकते हैं हम, मतलब लेफ्ट से भी तोड़ सकते हैं राइट से भी। कोई बात नहीं, मैं क्या बता मैं फिर से बता सकता सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ज्यादा स्लो आ रही है क्या मेरी आवाज? सर अब अब सही लाउड आ आ रही रही है, है। ये बता दूंगा अब यस सर, सही आ रही है। यस यस सर। सर फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल से ज़्यादा वो होते हैं ना एसिडिक, स्ट्रॉन्गर एसिड हाँ, क्योंकि उसका माइनस इस। बनने के बाद ना वो रेजोनेंस की वजह हाँ से ना स्टेबल होने लगता है, तो एच प्लस निकलने के बाद अच्छा जिसका भी एक प्रिंस का क्लास निकलने सर, तो उसमें जो मैंने रीजंस मतलब मुझे मैंने पढ़े थे, तो उसमें प्रोमिनेंट रीजन क्या होगा? एक तो रेजोनेंस वाला आपने बताया, और एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला भी तो होता है जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर वो जो इंक्रीज करता है, तो दोनों में से हम किसे लिखेंगे अगर पूछते हैं एग्जाम में? तो देखो पहली बात तो पहला फैक्टर रेजोनेंस होता है, और दूसरा फैक्टर वो होता है sp3 वाला, कि जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो माइनस को अच्छे से हैंडल करेगा। जैसे कि sp कार्बन में एस कैरेक्टर 50 है, sp2 में एस का कैरेक्टर 33 है, और sp में और sp3 में कितना है 25। जितना भी एस कैरेक्टर कम होते जाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी और माइनस चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्लियर है क्या? यस सर एक मैंने दीपांशी का क्वेश्चन बता देता हूँ, शायद ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने एक बार ना दीपांशी का क्वेश्चन बता रहा, शायद कल ये किसी ने पूछा भी था, माधव ने पूछा था, माधव क्लास में है क्या? यस सर माधव आप यही क्वेश्चन पूछे थे क्या? सो कर दो। सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखिए यह क्या लिखा हो, व्हेन 0.1 मोल ऑफ ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे दिया है CO Cl3 और क्या दिया सर गया स्क्रीन शेयर करते नहीं देखी आपने है शायद। स्क्रीन स्क्रीन शेयर यस सर, सर अब आपकी बताओ आप क्लियर वॉइस है? थोड़ी लो आ रही थी मैं अभी भी लो आ रही है सर, अब तो लाउड वॉइस सही आ है। रही है। दोनों आगे दोनों चीज आ गई अब। सही है ठीक है देखो, मान लो कि यह वाला एक कंपाउंड है, जब कभी भी ऐसे लिखना तो मान लेना कि आपको क्या है, यह बदलर थ्योरी वाला है। अब पता है क्या, यह बोल रहा है कि इसमें क्या मिला दिया इसने, AgNO3। यह बोल रहा है कि 0.1 मोल, और इसमें जब AgNO3 मिलाया है ना तो हमारे पास बना हुआ AgCl बना है, क्या बना है AgCl, और वह कितना बना है बताओ जरा, पॉइंट पॉइंट टू फोर मोल तो सिंपल सी बात मैं बताऊं ना कि यह कैसे रहा होगा, यह कुछ ऐसे रहा होगा, ध्यान से देखिए कुछ ऐसे रहा होगा सीओ, जाहिर सी बात है कि यह क्या है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल के लिगेंड कितने होंगे, छह होंगे, छह होंगे तो सिंपल सी बात है जो NH3 है ना
पांच अंदर कर दो, एक क्लोरीन अंदर कर दो और दो क्लोरीन बाहर कर दो। आप बताओ मैंने दो क्लोरीन क्यों बाहर किया, जरा बताना, ताकि यह सर दो मोल बन रहा है ना सर, क्या बन सके, 0.2 मोल बन सके, क्लियर है मेरी बातें? जी सर, यस सर। 0.1 मोल दिया हुआ और यह वाला एक्सेस में दिया हुआ। आप बताओ कि अगर मैं दो क्लोरीन बाहर रखूंगा तभी तो यहाँ पे दो AgCl बनेगा ना? यस सर, यस क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो ये बताओ कि हमारे पास 0.2 हो गया, ये बताओ कि यह पहले कितना था, 0.1 था, बाद में कितना बन गया, 0.2 बन गया। तो आपको नहीं लग रहा 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है? अगर हमने इसको 1 लिया है ना, ये 2 है, 1:2 के रिस्पेक्ट में चल रहा है, क्लियर है? यस सर। देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला सही होगा, मेरी बात आई होप सबको क्लियर हो गई। अगर वही इलेक्ट्रोलाइट की जगह आपका आयंस दिया होता ना, आयंस, तो फिर आयंस चेक करना पड़ता, सबको तोड़ना पड़ता कि कितने आयंस में बन रहा है, ठीक है? ये इलेक्ट्रोलाइट दिया ना स्पेस में, आई होप डन क्लियर। आओ इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था हमारे पास बताओ, 1 मोल ऑफ ये ट्रीटेड विद एक्सेस AgNO3, 3 मोल ऑफ PgCl आर एंड द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला होगा? क्या फोर्थ ऑप्शन बताओ जरा एक बार? यस सर, फोर्थ वाला होगा। अरे तीन क्लोरीन, जैसे कि मान लो कि Cr H2O6 है और Cl3 है, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Cr H2O6 3+ और 3Cl-। तो जितना यह बाहर रहेगा काउंटर आयन जितना होगा उतना ही तो AgNO3 बनेगा ना। तो यह एक मोल था, तो यह तीन मोल बन रहा है, इसका मतलब तीन क्लोरीन बाहर हुआ होगा तभी तो बना होगा ना, यही वाला ऑप्शन। यस यस। अगर मानो मैं थर्ड ऑप्शन बोलता तो दो ही क्लोरीन बनता, अगर दो मोल दिया होता ना तो थर्ड ऑप्शन सही होता, अगर एक मोल दिया होता तो सेकंड ऑप्शन सही होता, अगर जीरो मोल दिया होता तो फर्स्ट ऑप्शन सही होता, फर्स्ट वाला। क्या मेरी बात को समझ आई है? यस यस। ये जरा बताना आप लोग, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन समझ के ना आप लोग? यस सर। समझ के ना कैसे, क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आते इसलिए असाइनमेंट भी लिया गया। अगर देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो ये तीनों अगर क्वेश्चन आप लोग किए होगे ना तो आसानी से कर लोगे, कहीं भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जैसे देखिए, देखो आपने दो तीन क्वेश्चन कर लिया ना, असाइनमेंट इसलिए दिया जा रहा है, डेली वर्क दिया जा रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आपके दिमाग में आएगा ना, डायरेक्टली कर दोगे आप, कोई भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। और इसलिए असाइनमेंट हम लोग बोल रहे ना, खुद से करो और कॉपी पेन यूज करो, ठीक है, चीटिंग मत करना आपको, वरना फिर कोई मतलब नहीं होगा। आओ फिर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैंने आप लोग को बता रखा था, मान लो कि हमारे पास कोई आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे अगर हमने OH लगा दिया, यह क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हम थोड़ा ना स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि हम अब एक तरह से रिविजन क्लास चल रहा है, मान के चलो। अगर मान लो वही OH की जगह मैं Cl लगा दूं तो क्या होगा, यह कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा और एसिड क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं वही NH2 लगा दूं तो एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता तो आप बताओ, एक कार्बन या दो कार्बन, है दो कार्बन हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनामाइड, इथेनामाइड, क्या बोलते हैं, इथेनामाइड, इथेनामाइड, क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान से देखिएगा तो हो गया NH2 हो गया। अब मान लो कि हमारे पास R C डबल बॉन्ड हो, अब एक ऐसा ग्रुप लगाया, कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, देखो यहाँ पे, अब बताओ यह क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, OR लगा दिया, अब बताओ अब यह क्या है, एस्टर है,
एस्टर है, क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। बातें मेरी क्लियर हो गई क्या है? यस सर। एस्टर है, हमें इन्हीं चार, हमें इन्हीं तीन चार के बारे में पढ़ना। बोलो कोई भी कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। आगे देखो, अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बता दिया था, अगर सिंगल, अगर सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसको हम लोग बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसी को हम लोग ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं। तीन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिट्रिक एसिड या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब आपने कर लिया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाने का तरीका देखेंगे कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो पहली बात है कि हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अल्कोहल से बनाएंगे। तो मान लो कि आपने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, और 1 डिग्री अल्कोहल में ना आपने क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, या फिर जोन्स रिएजेंट हो सकता है। ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह क्या करेंगे, यह करेंगे पहले इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, और एल्डिहाइड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अगर मान लो वही मैं यहाँ पे NaBH4 डालता, तो जो NaBH4 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी यह मैंने यहाँ हो गया। अब देखो ये सब के सब क्या है बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? सर वो जो RCHO था। हाँ जी सर, वो जो RCHO था उसके आगे। ओके सर। सर ये जो सर जो हमने फर्स्ट स्टेप में RCHO के आगे जो लगाया था ऑक्सीजन, सर एक बार दोबारा समझा। सिंपल सी बात, अगर आपके पास अल्कोहल होगा ना, ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास यह वाला अल्कोहल, यह भी अल्कोहल, तो आपके पास सिंगल, सॉरी यह भी अल्कोहल तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, KMnO4 डाल दूं, या फिर K2Cr2O7 डाल दूं, या फिर जोन्स रिएजेंट डाल दूं, तो क्या होगा बताओ जरा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड पे करो, क्लियर है? अब देखो, चाहे हम यहाँ पे टॉलुइन भी क्यों ना ले, अगर मैं यहाँ पे टॉलुइन भी ले लूंगा तो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड में, ठीक है? ओ सॉरी, चाहे यहाँ पे दो कार्बन का ही क्यों ना ले, यहाँ पे मैं दो कार्बन का क्यों ही ना ले लूं, तो भी क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर मैं यहाँ पे तीन कार्बन का क्यों ना ले लूं, तो भी क्या बनेगा? देखे थे ना, एक दो क्वेश्चन इस टाइप का आया था, बताओ जरा। जबकि मैं एनसीईआरटी देख रहा हूँ ना, तो एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप लोग ना एनसीईआरटी के भरोसे भी पूरा मत रहना, क्लियर है? भरोसे भी पूरा मत रहना, जो मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग ध्यान देना, और पी वाई क्यू पे बनो क्या देना सर, मतलब उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही नहीं है सर, मतलब जो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं है सर। आप सर आपकी वॉइस, यस सर, यस सर आ गई है, पॉज हो गई थी सर आपकी वीडियो, अभी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। तो हम लोग किसे पढ़ाते हैं ना, कि हम जेई को रेफरेंस मान के पढ़ाते हैं, तो हम लोग कभी भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे ना, कि आपसे पी वाई क्यू आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, समझे क्या आप? हो जाए। यस सर। डन? डन सर। आगे बढ़ो, ये तो आपने कर लिया। याद रखिए कि अगर इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ना, तो ये ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ठीक है?
कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। अब बात कर लेते ना कि हम रिडक्शन के थ्रू चलते हैं, रिडक्शन के थ्रू, यानी सिंपल सी बात है कि मान लो कि अगर हम क्या कर दिए, हमने क्या कर दिया, हमने साइनाइड का, हमने सीएन का हाइड्रोलाइसिस कर दिया। आप बताओ साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बताया कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हाइड्रोलाइसिस दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? दो स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बनता है बताओ जरा? एसिड एमाइड। क्या बनता है? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड। एसिड एमाइड बनता है। पहले स्टेप में एसिड एमाइड बनता है और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। क्लियर। तो कभी भी साइनाइड आपको दिख जाए पहले एसिड एमाइड बना लेना या फिर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना। अब देखो, अब बात करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की। आपको पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या है? हमारे पास R- होता है और MgX क्या होता है? प्लस होता है। प्लस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो यह भी डेल्टा माइनस है, यह भी डेल्टा माइनस है। डेल्टा प्लस केवल और केवल कार्बन पे है ना, यह वाला जाके अटैक करेगा ये पे। और इसका एक बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, इसका चार्ज किस पे आ जाएगा? वो टू ऑक्सीजन पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस। ऑक्सीजन पे आ जाएगा। यस सर। और इसके बाद जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट डालते हैं आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं? आप बताओ, यह माइनस है तो जो हाँ जो यहाँ पे MgX वाला प्लस है वो इस पे जुड़ जाएगा क्या? यस सर। यस हो जाएगा। MgX हो जाएगा। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस कुछ इस प्रकार करते हैं कि MgX को क्या मिले? OH मिल जाए, बाकी जो बचा है उसको क्या मिल जाए? H मिल जाए। क्या बन गया बताओ? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। कार्बोक्सिलिक। यस सर। यस सर। यस सर। अब मानो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देख। बताओ जरा क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। यह बिल्कुल, यह भी तो एक क्या बोलते हैं, यह भी तो एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट ही है ना? यस सर। जी सर। अरे इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था? देखो यहाँ जो आर है ना, आर आर के साथ क्या जुड़ गया था? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ गया था। यस सर। तो इसमें भी तो कुछ वही है ना, आपका क्या है? आर है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? अब मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। अभी तो क्लियर है, बीच में लेकिन ब्रेक हो जाती है बार-बार। ये बताओ ये यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब देखो, पहली बात मान लो कि अगर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, चाहे दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, चाहे चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वह क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। और जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। क्लियर है? अब मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? इंक्रीज। अगर मैं बात करूं, एक मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूंगा, दूसरा अल्कोहल दे दूं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। यस अब देखो, अब बात कर लेते हैं ना कि हम लोग एस्टर कैसे बनाए। देखो एनहाइड्राइड हमें बनाना है तो सिंपल सी बात, हम देखो ध्यान से, हमने R ले लिया, C डबल बॉन्ड O, OH ले लिया। मान लो कि हमने टू टाइम्स ले लिया, कितना टाइम्स ले लिया? टू टाइम्स। टू टाइम्स ले लिया। अब इसमें हम डाल दिए H2SO4 डाल दिए और हीट कर दिए, या फिर H2SO4 का मतलब यह है कि यह एसिड है,
या फिर हम H प्लस डाल दिए और हीट कर दिए, दोनों का मतलब क्या है बराबर ही, या फिर हम डाल दिए P2O5 डाल दिए और हीट कर दिए, या फिर हमने एक और चीज डाल दिया Al2O3 डाल दिया, यह तीनों के तीनों रिएजेंट क्या काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, डिहाइड्रेशन का काम, वाटर का रिमूव करते हैं। अब ये बताओ वाटर का रिमूव कैसे होगा, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एच निकाल लो, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। आप बताओ यह वाला इससे जाके जुड़ जाएगा ना? यस सर। यस सर। आप बताओ बन गया कि नहीं एनहाइड्राइड? यस सर। अगर मान लो कि वही आपके पास एमाइड हो, क्या हो आपके पास? एमाइड। इसी को एमाइड बोलते हैं ना, CONH2। Yes, एमाइड हो गया ना। अब एमाइड के साथ देगा और दो हाइड्रोजन गैप कर देगा तो क्या बन जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन बन जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो बात कर लेते हैं स्टेरिफिकेशन की। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है, एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या होता है, अल्कोहल। दूसरा क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल का एच निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। अल्कोहल का एच निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, ठीक है क्या? यस सर। याद रखना अल्कोहल का एच निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। ये बातें याद रहेंगी ना तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लो जरा, एक मिनट के लिए ब्रेक दूंगा, एक बार देख लो। सर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है ना कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कोई भी एसिड है, हाइड्रोजन का क्या मतलब है, कोई भी एसिड है, चाहे आप HCl ले लो, अच्छा, चाहे आप H2SO4 ले लो, क्लियर है? ओके सर। यस सर। नंदिनी आपने ग्रुप में वर्क नहीं किया था क्या? नो सर। क्यों? सर मेरा कैमरा टूटा हुआ है, मैंने शेयर नहीं किया, बट PDF मेरे को बनाने नहीं आता तो वो दीदी आएंगी वही। आप YouTube वगैरह पे देख लेते, बताया भी नहीं आपने। ओके सर। आप जितने भी लोग ग्रुप में है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जो भी जिस ग्रुप में है ना उसके जो मेंटर्स है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी, तो आपको करना पड़ेगा एक कंटीन्यूअस, इसलिए तो ये सब रखा गया। Yes, हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। सर मैं शेयर कर दूंगी। कर देना आप, ठीक है? ओके सर। चलो जरा आप बताओ, मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ से देखा आप बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। एस्टर बनेगा। कितने मेंबर का बनेगा, क्या कितने मेंबर का एस्टर बनेगा, फिर क्या बनेगा, कैसे बनेगा? सर रिंग बनेगा इसका, OH रिमूव हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और H रिमूव हो जाएगा इसका एस्टर। सर फाइव का बताओ, कितने मेंबर का एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव हो जाएगा और अल्कोहल का H। गुरमदन, कशिश, भावना, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, इसका OH गायब हो जाएगा और इसका H गायब हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 5, 6। आप लोग बोल लेते 5 मेंबर का बनेगा। सर वो ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया था, मेंबर वाले रिंग में उसको भी काउंट करता है ना। ओके सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6
सिक्स ये बताओ पहले नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। दूसरे पे CH2 सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठे पे क्या है? कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन। आप बताओ बन गया ना साइक्लिक एस्टर? यस सर। ऐसे ही आपके ऑप्शंस में ऐसे ही दे देगा, आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्टिविटी की बात करेगा ना, जो हमारे पास वन डिग्री वाला एस्टर सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन टू डिग्री वाला, फिर थ्री डिग्री वाला। अब सिंपल सी बात मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने इसमें क्या मिला दिया, PCl3 मिला दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पता है क्या, यहाँ पे जो OH होता है ना यही वाला बार बार निकलता है, या OH निकल जाएगा उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, OCl। अगर मान लो कि हमने PCl5 भी डाल दिया तो भी क्या निकलेगा, OH वाला ही निकलेगा, क्या लग जाएगा, Cl। Cl। अगर मैं SO2 डाल दूं तो भी OH निकलेगा, क्या लग जाएगा, Cl। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। या सेम पता है क्या, अल्कोहल जैसा रिएक्शन करता है, कैसे करता है, अल्कोहल मैंने आपको बताया था अल्कोहल रिएक्शन होता है। अब देखो अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन कैसे करता है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या है हमारे पास, अमोनिया है, कुछ ऐसा ही है ना, अमोनिया है। क्या बताओ कि यह एक एसिड है और अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो जाहिर सी बात है कि एसिड और बेस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। पता है क्या, यह अमोनियम कार्बोक्सिलेट यह सॉल्ट है क्योंकि इसमें प्लस भी है और क्या है माइनस भी है। अब फिर से अगर आप इसको हीट कर दो ना, अगर हीट तो इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, एसिडमाइड। तो पहली बात कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एमाइड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एमाइड। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब मान लो कि हमारे पास, आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। मैं इसको और अच्छे से बताता हूं, और एक और जस्ट इसके नीचे भी जस्ट बगल वाले पोजीशन पे भी एक बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, फैलिक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिक एसिड, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। अगर मैं इसमें डाल दूं अमोनिया, अमोनिया एक्सेस में डाल दूं तो आप बताओ कि ये जो बेंजोइक एसिड है वह क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा क्या, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमारे पास क्या बनेगा, दो एमाइड बन जाएगा, दो एमाइड बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखो, इसमें से पता है क्या, जो एक एमाइड का लोन पेयर है ना, यह आके इस पे अटैक करता है और दूसरे वाले को क्या कर देता है, बाहर का रास्ता। जब बाहर का रास्ता दिखा देगा तो देखो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, एक दो पांच, तीन चार और पांच। ठीक है, तो पांच मेंबर का बना लेता हूं, पांच बना लिए मैंने, यहाँ पे है तीन, यहाँ पे है चार, दो एक और पांच, मैंने गलत बना लिया क्या, सही बना, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास पांचवें नंबर पे क्या है, क्या कार्बन डबल बॉन्ड वो है क्या, देखो यस सर, यस सर। छठे पे क्या, पहले पे क्या है हमारे पास, पांचवे के जस्ट बाद पहला आया ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है,
ओके सर, आपके पास एक एच भी होगा, और जो इसका दूसरा एच होगा ना वो इस एनएच टू के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा? एनएच थ्री अमोनिया। दूसरे वाले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो यह थैलिक एसिड से बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? थैलिक एसिड से एमाइड बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? थैलामाइड। थैलामाइड, क्या नाम है? थैलामाइड। थैलामाइड, क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो एक होता है गैब्रियल एमीन सिंथेसिस होता है, क्या नाम होता है? गैब्रियल एमीन सिंथेसिस होता है। और आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, वहां पे जो स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट लिया जाता है ना, वो थैलामाइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? थैलामाइड। थैलामाइड, थैलामाइड, थैलामाइड लिया जाता है। अब आप बताओ कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल थैलामाइड लिया जाता है, और आपसे रिएक्शन में कुछ ऐसे दे दे, रिएक्शन में क्या दे दे? ऐसे दे दे, तो आप बताओ यह भी तो थैलामाइड ही है ना, क्योंकि इन दोनों से मिलके तो थैलामाइड बना है ना। यस सर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एवरीथिंग ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर मेरी बातें? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। तो इस तरीके से देखो, हमने तो सिंपल आपको चैप्टर वाइज पढ़ा दिया, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे करेंगे वो आपको एग्जाम में कनेक्ट करके देता है। पहले चैप्टर का कनेक्शन दूसरे चैप्टर से, दूसरे का तीसरे से, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी होता है, इधर का उधर कनेक्शन करके ही देता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। आगे बढ़ो। देखो ये तो मैंने कल बताया भी था आपको, देखो थैलामाइड बन गया। क्लियर है? यस सर। अब अगला देखो, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन की। मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमने इसमें क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। अगर वही मैं NaBH4 डालता, यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालता, तो क्या बनता? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनता, एल्डिहाइड बनता, क्योंकि यह टर्मिनल कार्बन पे है ना। अगर मैं डाइबल एच भी डाल दू तो भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही बनेगा। क्या मेरी बात सबको? अब देखो, एक होता है डी कार्बोक्सिलेशन, क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। अगर कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखे और उसमें दिख जाए आपका NaOH और CaO और हीट कर दे, तो आपको क्या कर देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकाल देना है? CO2 निकाल देना है, और बाकी जितना बचेगा वह क्या बनेगा? आपका एल्केन बन जाएगा, या फिर जो भी बनना होगा बन जाएगा। आप बताओ, मान लो कि दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें मैंने सोडा लाइम डाल दिया, इसका नाम सोडा लाइम है ना? यस सर। सोडा लाइम डाल दिया, तो आप बताओ यह तो CO2 बन के बाहर निकल जाएगा? यस सर। और एक ही कार्बन बन जाएगा? मीथेन। मीथेन या फिर जो भी बने। किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। हो जाना चाहिए, काफी इजी है यार। Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कल मैंने आपको बताया था। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था बीटा कीटो एसिड, क्या बताया था? बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड। हमारे पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह जिस भी कार्बन से जुड़ेगा इसको अल्फा बोलेंगे, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। बीटा, 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 बीटा वाले पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे आपका एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एसिड। क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड। क्लियर है? अगर इसमें आपको हीट कर दिया, हीट, तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन के निकल जाएगा? CO2 बन के बाहर। CO2 कीटोन।
देखो बीटा कीटो एसिड को हीट किया तो CO2 बनकर क्या बाहर निकल गया, बाहर निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर कार्बोक्सिलिक। यह बताओ यह हमारे पास एसिड है जिससे जुड़ा है उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, यह बीटा यह भी तो बीटा कीटो एसिड है ना, बोलो। यस 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 सर। यह भी क्या होगा, यह भी गायब हो जाएगा। आप बताओ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यह दोनों बीटा वाले हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने कल आपको बताया था HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि कोई भी अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें रिएजेंट क्या डालोगे, रिएजेंट X2 रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस और H2O, H2O आपको जहां भी रिएजेंट दिख जाए X2 रेड फास्फोरस और H2O, अल्फा पोजीशन पे क्या लगा देना, X लगा देना। अब X चाहे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है क्या, डन है। अगर मान लो एक बार और ऐसे ही दे दिया तो आप दूसरा H हटा देना, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा सब हटा देना, कर लोगे। यस सर। अब बात कर लेते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन की, रिंग सब्स्टिट्यूशन की। आप बताओ कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या रिंग डोनेटिंग ग्रुप होता है, फिर विड्रॉइंग ग्रुप होता है, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग, विड्रॉ करेगा ना, तो एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन और एक बार पैरा 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 पे। आपको पता है, आपको पता है HNO3 और H2SO4 मिलाने पे क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन प्लस बनता है, क्या बनता है, NO2+ अभी NO2+ आपको पता है कि जाहिर सी बात है खुद ही प्लस है, तो प्लस वाले जगह पे जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, मेटा वाले जगह पे, मेटा वाले। यस सर। देखो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया क्या। यस सर। इस वाले केस में भी आपको मैंने बताया था क्या बनता है, ध्यान से देखो, FeBr4- हो जाएगा और Br+ हो जाएगा, यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी कहाँ ही जाएगा, मेटा पे ही जाएगा, पोजीशन पर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जाएगा ही क्यों सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस डिस्टेबल नहीं करेंगे इसको, क्या चीज सर, ये मतलब Br पॉजिटिव जो है ये जाएगा ही क्यों, मतलब रिएक्शन करने के लिए। देखो सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है, मान लो कि आप ना पैदल जा रहे हो, ठीक है, बारिश आ रहा है काफी ज्यादा, एक जगह ना क्या बोलते हैं, मान लो शेर का घर है और एक जगह ना कुत्तों का घर है, तो आप कहाँ जाओगे, कुत्तों के घर पे जाएंगे सर, बारिश में भीग रही है। देखो दोनों जगह तो डेंजर, दोनों जगह तो डेंजरस है ना, तो बारिश का मजा लेंगे। यस सर, बारिश का मजा नहीं लेना है। देखो पहली बात, जब यह इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, पॉजिटिव चार्ज जैसे घूम नहीं सकता, लवारी जैसे घूम नहीं सकता, कहीं ना कहीं जाना है, चाहे आर्थो पे जाए, चाहे मेटा पे जाए, चाहे पैरा पे जाए, तो आर्थो और पैरा पे ना शेर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, ये वहां पे नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कुत्तों के घर में भी डर ही है, लेकिन जाहिर सी बात है जगह तो वही बचा हुआ है ना। यस सर। खतरनाक है ना, बोलो। यस सर, बाद में इंजेक्शन लगवा लेंगे, क्या बोल रहे हो, बाद में इंजेक्शन लगवा लेंगे। लेकिन शेर का कोई इंजेक्शन नहीं है। यस सर, वो तो भोजन बना लेगा, उसके लिए तो आप डिनर के लिए हो जाओगे फिर। यस सर। यस सर। यस सर। ये बताओ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है,
अगर NO2 पॉजिटिव को रिएक्शन करना हो तो आप बताओ पहला नंबर दूसरा नंबर किससे जाकर रिएक्शन करेगा? सर सेकंड वाले से जाकर रिएक्शन करेगा। बाकी बच्चे बताओ सर सेकंड वाले से। सेकंड से फर्स्ट वाला क्या? सर फर्स्ट वाला क्या? सर अमित आपको आपको ग्रुप मिला? नहीं मिला सर। मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अपने ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपको टाइम से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। नीतेश है क्या? नीतेश? नो सर। क्या? नहीं मिला सर। आज आज मैं नाइट में आपको भी कर दूंगा। अमित एक बार मैसेज करना मुझे। टेक्स्ट करूं? हाँ टेक्स्ट मैसेज अभी जस्ट। हाँ जस्ट ठीक है। मैं ना एक बार ऐड कर देता हूँ। आप लोग ये बताओ जो डाउट वाला ग्रुप बना है आप लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है? यस सर हेल्पफुल है। यस सर है। इसके बाद ना आप नंदिनी आपको कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते। इसके बाद ना एक डाउट वीडियो डाउट कॉल भी चलेगा आप लोग का। इसमें क्या होगा ना कि जो बच्चे है जो भी पूछ सकते हैं आके, ठीक है? यस सर। वो काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोग के लिए क्योंकि आप सामने सामने रहोगे, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? यस सर। सर वो अगले सर क्या बताया आपने अभी सर? क्या आपने बताया सर? मैं यही बताया ना कि नेक्स्ट वीक से ना आपका एक ओपन क्लास चलेगा। ओपन क्लास का मतलब ना उसमें कोई भी आके कुछ भी पूछ सकता है। सर टेक्स्ट कर दिया आपको? रिसीव हुआ? हां कर दिया मैंने। ओके सर। उसमें मैं ये बता रहा हूँ ना वो क्लास से अलग टाइमिंग होगा, उससे क्लास का लेना देना कोई नहीं है। वो बस उन्हीं लोग के लिए है कि जो अपना क्वेश्चंस करते हैं और जिनको हो नहीं पाता है, जैसे कभी कभी दीपांशी मेरे से पूछती है, कभी कभी न्यांसी भी पूछती है। न्यांसी है क्या क्लास में? यस सर। कभी कभी आप लोग पूछते हो तो मेरे पास जितना पॉसिबल टाइम होता है मैं तो बता देता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन वो एक स्लॉट रहेगा ना तो आप लोग का पूरा डाउट क्लियर रहेगा, समझे क्या? सर उसमें आप ही पढ़ाएंगे या दूसरे टीचर्स होंगे? कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है उसमें। ओके सर। ठीक है? यस सर। तो ये बताओ, मैं बता रहा हूँ, देखो यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप बताओ रिंग में तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना इसका, या तो इलेक्ट्रॉन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम हो गया क्योंकि नीचे से भी खींच रहा है और ऊपर से भी खींच रहा है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो आप बताओ इस पे जाएगा क्या? नो सर। नहीं पसंद करेगा। और यह खींच रहा है और यह दे रहा है तो इससे तो कम ही खराब हालत है इसका, पहले वाले से तो कम ही खराब हालत है ना। यहाँ से दोनों साइड से खींच रहा है, इधर एक साइड से खींच रहा है और एक साइड से दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो जाहिर सी बात किस पे जाएगा? दूसरे वाले पे जाएगा। तो आपको इस लेवल का सोचना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। अब देखो लिखा हुआ केमिकल रिएक्टिव रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव है ना उनका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखो। ये तो आप लोग को पता ही है, एस्टर है या एसिड हैलाइड है या एनहाइड्राइड है और यह क्या है, एमाइड है। माइड। तो मान लो कि हमारे पास कोई भी कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, और कोई भी हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो न्यूक्लियोफाइल जाहिर सी बात है कहां पे जाके अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पे। किसको बाहर निकाल देगा? क्लोरीन को। क्लोरीन को। क्लोरीन। देखो बन गया क्या? यस सर। अब ध्यान से देखो, आप बताओ कि यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा आके यहाँ पे अटैक करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे देख लो कि मान लो कि हमने किससे अटैक करवाया, वाटर से यानी हाइड्रोलाइसिस करवाया, जाहिर सी बात है यह यहाँ पे आएगा और जेड को बाहर निकाल देगा तो क्या बना लेगा बताओ?
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जैसे कि मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और हमारे पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव मान लो क्लोरीन है और इसमें हमने क्या मिला दिया, H2O मिला दिया। अब H2O में HOH होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। आपके पास एमाइड है, क्या है? एमाइड। इसको भी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तभी भी वही होगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है क्या? यस सर। मान लो कि आपके पास क्या है, एस्टर है, यही आप पूछ रहे थे ना अमित? हाँ सर। तो ये बताओ, इसको भी यह कहाँ पे आके अटैक करेगा? सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यह वाला बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पे अटैक करा के इसको बाहर निकाल देंगे। वह किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन। दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा, वह बाहर निकलेगा, उस साइड से बाहर निकलेगा। ठीक है क्या? ये बात ध्यान से देखना की कहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, ऐसा नहीं की कहीं से भी बाहर निकाल देगा। ठीक है? ओके सर। मान लो कि आपके पास एनहाइड्राइड हुआ, क्या हुआ? एनहाइड्राइड। और अभी भी आपके पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस है, क्या यहाँ पे आके अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा? यस सर। क्या बना लेगा? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ और आर, और यहाँ पे भी कोई अगर एच प्लस आ जाए ना तो यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। एक चीज और देख लेना आप लोग, यह वाला ना इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे भी अटैक कर सकता है और इसको भी बाहर निकाल सकता है। दोनों बात बराबर ही है, कर लोगे? यस सर। अब देखो रिएक्शन विथ एल्कोहल, एल्कोहल से रिएक्शन होकर क्या बनता है। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी एसिड क्लोराइड है और हमने क्या ले लिया, एक एल्कोहल ले लिया। तो आपके पास पता है एल्कोहल के पास लोन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा, वह यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा, निकाल देगा, बाहर निकाल। तो आप बताओ ये इससे ऑक्सीजन जुड़ गया और इससे CH3 जुड़ गया, क्या एस्टर नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी देखो आएगा, इसको बाहर निकाल देगा, बन गया एस्टर। यहाँ पे भी आएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। देखो यह भी नीचे वाला भी एस्टर ही है, ध्यान से देखना, नीचे वाला भी क्या है, देखो यहाँ पे एस्टर ही है ना, एस्टर है। yes, sir. लेकिन ऑक्सीजन के साइड ना आपके पास दो कार्बन है, लेकिन जब यह आके अटैक करेगा ना और इसको बाहर निकालेगा ना तो अब एक कार्बन हो जाएगा ना। यस सर। यह भी एस्टर ही है, लेकिन एक एस्टर से दूसरे एस्टर में बदलने का क्या है, यह तरीका है। छोटे एस्टर से बड़ा एस्टर बना सकते हो या फिर बड़ा एस्टर से छोटा एस्टर। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। खाना क्लास में हो क्या? यस सर। आप ये बताओ, आप पढ़ रहे हो कि असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो? सही से बताओ। यस सर। अभी पढ़ रहे हो कि असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो? सर जब आपने वो जो आप सर ऐड कर रहे थे ना, सर एक बच्चे को, तो उस वक्त मैंने भेजा असाइनमेंट, क्योंकि वो दीदी ने पीडीएफ बनाकर अभी भेजा ना। तो आप लोग ना देखो, ऑर्गेनिक को हल्के में मत लो, नुकसान कर देगा ये। ठीक है? यस सर। अब देखो रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया। मान लो आपके पास कुछ ऐसे है और आपने क्या कर दिया, अमोनिया से रिएक्शन करा दिया। यह भी लोन पेयर होता है, यह आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, इसमें से एक एच भी निकाल लेता है, तो क्या बना लेगा बताओ? एसिडामाइड बना लेगा। ठीक है? यस सर। मान लो कि हमने एस्टर ले लिया और इसमें भी क्या मिला दिया हमने, अमोनिया मिला दिया, आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, यह क्या बना लेगा, एसिडामाइड। और यह क्या बना लेगा,
अल्कोहल बना लेगा, दिख रहा है क्या? यस सर। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। मान लो कुछ इस तरीके का एमीन हो गया, एमीन यह आके अटैक करेगा यहाँ पे, उसको बाहर निकालेगा। अब देखो कुछ ऐसे बन गया, अब यह एमाइड एमाइड ही रहा, लेकिन उसके बगल में एक आर जुड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आर जुड़ा हुआ, ठीक है, क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्राइड है, और हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे हाइड्राजीन ले लिया, मान लो हमने हमने क्या ले लिया, हाइड्राजीन NH2 को ही तो हाइड्राजीन बोलते हैं ना। यस सर। करेगा इसको बाहर निकाल लेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और एन एच एन एच दिख रहा है क्या? यस सर। जब तक आप लोग ना इसको कॉपी पे नहीं करोगे ना, तब तक नहीं आ पाएगा सही से, तो आप लोग को साथ ही साथ कॉपी पे भी करना है। कौशिक आप कुछ पूछ रहे हो क्या, बताओ? कौशिक आप कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ नहीं पूछ रहे। क्रिगनार्ड रिएजेंट देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई भी ऐसे है, और हमारे पास क्या है, आर एम जी एक्स है। ये बताओ इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, यह जाके इस पे अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, तो क्या बना लेगा, क्या कीटोन बना लेगा क्या? देखो यस सर। यस सर। कीटोन। यस सर। तो आपको रिएक्शन याद नहीं करना है, आपको अटैक कराना अपने आप बन जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके। देखो यहाँ पे सर, एक बार दोबारा दिखाना, बता दे रहा हूँ, ये दूसरा बता दे रहा हूँ। मान लो कुछ ऐसे है, और हमने क्या डाल दिया, CH3 MgBr डाल दिया। यहाँ पे होगा माइनस, ये आएगा इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो। यस सर। C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा, क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। फिर से आपने इसमें ग्रिगनार डाल दिया, देखो फिर से आपने इसमें क्या डाल दिया, ग्रिगनार डाल दिया, या फिर से माइनस आएगा इस पे अटैक करेगा। सर ये वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे माइनस बन गया और यहाँ पे MgBr हो जाएगा, फिर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन सर CH3 नेगेटिव है, तो वो तो वो उसके पास जा रहा है कार्बन के पास, तो कार्बन कभी भी ना, दो चीजें होता है कि इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बोनिल कार्बन है ना वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और जो हमारे पास CH3 नेगेटिव है ना वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, समझे क्या आप लोग? यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? ना सर। नो सर। नो सर। फिर से पीवाई क्यों कर लिया जाए सर, वो न्यूक्लियोफाइल वाले कंफ्यूजन हो गई इसमें। यस सर। क्या कंफ्यूजन हो रही थी बताओ एक बार सर। अभी आपने बोला ना न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये, वो समझा दो दोबारा से। देख लो, ऐसे है, अब यह बताओ इसके पे माइनस आएगा, इसके पे प्लस आएगा, यह आके अटैक किया यहाँ पे, इसको बाहर निकाल दिया, तो आप बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा ना। यस सर। कुछ ऐसे बन जाएगा, और फिर से यहाँ आएगा, फिर से यहाँ ग्रिगनार्ड एजेंट आएगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा CH3 O माइनस, इसको मैंने लिख दिया PH, और इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ PH। अब ये बताओ O माइनस से क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, फिर इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल नहीं बन जाएगा। यस सर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। फिर से इसके PYQ कर लिया जाए। यस सर। यस सर। PYQ कर लेते हैं एक बार, मैं देखता हूँ ना थोड़ा सा, चलो ठीक है देख लेते हैं।
एक बार थोड़ा सा ये पीडीएफ सेव हो जाए कर लेते हैं, फिर से पी वाई क्यू कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को? यस सर। बताना जरा पहले वाले का आंसर, बताना पहले वाले का आंसर बताओ जरा सर। फर्स्ट वाला एक सर, फोर सर, फोर है इसमें, फोर पाई बॉन्ड। बताओ बताओ क्या आएगा सर? फोर। बाकी बच्चे बताओ सर? फोर, फोर पाई बॉन्ड। फोर सर, फोर ही है तो चार होगा, काम पूछेगा तो एट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितना भी कार्बन हो, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन वाला दिया हो ना यार, क्या हो जाएगा? सिंपल, एक ही कार्बन का बेंजोइकेशन बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर, बन जाएगा। अब इसमें डाल दिया है कि बी आर और एफ ई पी आर थ्री, तो कहाँ कौन सी जगह जुड़ेगा बताओ? मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर। यह पिछली बार का क्वेश्चन है। अब yes. बताओ तीन का, तीन डबल बॉन्ड तो आपके रिंग के अंदर ही दिख गए और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टोटल कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। यह फाइव बॉन्ड है, अगर फाइव इलेक्ट्रॉन पूछा तब कितना आंसर होता? एट। चलो बताओ दूसरे वाले का बताओ। ये तो टेस्ट में आया था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में कहां से आता है? सिमिलर लग रहा है, टेस्ट में आया था ऐसे। उसमें OH जोड़ दिया, OH, और वह SN1 रिएक्शन होगा ना, वह क्या होगा आपका? वह आपका रीअरेंजमेंट भी होगा। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यह अल्फा पोजीशन है, यह बीटा पोजीशन, यह भी बीटा पोजीशन है, और यह वाला जो आपके पास रिएजेंट दिख रहा है ना, कुछ ऐसे दिख रहा होगा, H2 रेड फास्फोरस और साथ साथ H2O, यानी कि कौन सा रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन। ठीक है, क्या पता है HVZ रिएक्शन में जो अल्फा पोजीशन होता है वहीं पे क्या लगाते हैं? X लगा देते हैं। X लगाने का क्या मतलब? X तो BR कोई सा भी हैलोजन, कोई सा भी हैलोजन, हैलोजन। यस सर, क्लियर है? यस 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 सर, यही सब चीज है। आई होप सबको क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपने कल भी पूछे थे। यस सर, यस सर, एक बार सर कैलियो क्वेश्चन आपने कल भी पूछे थे सर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आप बताओ। सेकंड ऑप्शन थोड़ी फर्स्ट है ना, एक मिनट देखो यहां पे सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट जो दिया हुआ है थोड़ी चेंज हो गया मैंने। ठीक है, कार्बोक्स में क्या थोड़ी चेंज हो गया स्क्रीन पे, यही वाला हुआ। क्लियर है मेरी बातें? यस सर, यस सर। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, इजी पूछा हुआ था। ये बताओ, ये वाला बताओ, थर्ड क्वेश्चन। सर फाइव फाइव होंगे इसमें, फाइव सर।
कितने होंगे सर? 5 है। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल सी बात है ना कि चाहे यहाँ पे कितना भी कार्बन दे दे हमें उससे फर्क नहीं पड़ना। अगर KMnO4 चाहे H प्लस आ जाए चाहे OH माइनस आ जाए, इसका मतलब क्या है? बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाए। अब देखो यहाँ पे HNO3 और H2SO4 दे दिया ना, तो नाइट्रेशन होगा ना? यस सर। अब सिंपल सी बात बताओ, 3 तो डबल बॉन्ड अंदर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल कितने डबल बॉन्ड? 5। ये बताओ यह कौन सा ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड। राइड क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब मैं ना इसको साइड में लेके चलूंगा, इसको साइड में लिखूंगा। दिख रहा है यार? यस सर। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लो कि आपने यहाँ कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, और यहाँ पे एनहाइड्राइड बना दिया, ध्यान से देखिए। बना लिया। अब पता है क्या कि आपको मैंने बोला था चाहे एनहाइड्राइड हो या फिर कुछ भी, अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। यस सर। और यह ऐसे रिंग खुल जाएगा, ऐसे ही बताया था ना? तो पता है क्या, यहाँ पे कहीं न्यूक्लियोफाइल दिख नहीं रहा है, और जब कहीं न्यूक्लियोफाइल ना हो ना, तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है ना, वह भी एक न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करता है। यहाँ पे मान लो यह वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पे माइनस जाएगा और एक पे क्या जाएगा? प्लस जाएगा। मान लेते हैं माइनस वाले से हमने अटैक करा दिया, जब माइनस वाले से अटैक करा दिया तो देखना कुछ ऐसे बनेगा क्या? यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, और यह माइनस वाले से मैं नंबरिंग कर देता हूं 1, 2, और यह किस पे अटैक किया? 3 पे अटैक किया, फिर यह 4, 5, 6 और 7। देखो यहाँ पे यह 1 हो गया और यह 2 हो गया। 2 किसने किस पे अटैक किया बताओ? 3 पे अटैक किया है क्या बोलो? और ये 3 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से। और 4 किससे जुड़ा हुआ है? 5 से। और 5 किससे जुड़ा हुआ है? 6 से। 6 पे क्या है बताओ जरा? डबल बॉन्ड हुआ है। बॉन्ड 6 किससे जुड़ा हुआ है? 7 से। और 7 ही क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है, उस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब फिर से एरोमेटिसिटी बरकरार रखने के लिए यहां पे एक हाइड्रोजन है, वो क्या होगा? यह बाहर निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा ये वाला नहीं निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एक बॉन्ड, इस वाले पे हाइड्रोजन होगा, यह वाला बाहर निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। जब बाहर निकलेगा क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा? यस सर, डबल बॉन्ड हो जाएगा। माइनस आ जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वाले पे क्या है? डबल बॉन्ड हुआ है, फिर ये ओ माइनस है। कुछ ऐसे है? C1O2 में डबल बॉन्ड कैसे बना दोबारा बताना। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकंड में। देखो पहली बात, देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे होता है। मान लो कि हमारे पास यह कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ना, कुछ ऐसे यह आएगा, इस पे अटैक करेगा, यह ओपन होगा क्या? यस सर। यह ओपन होगा, माइनस आएगा इस पे, और यहाँ पे ओ ऐसे आएगा। जब ये फिर से वापस आएगा तभी तो टूटेगा ना। यस सर। तो ये वापस ही आया है। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। अब देखो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, कुछ ऐसे आपका बन गया। अब ध्यान से देखो, अब फिर से यह बॉन्ड टूटता है, अब इस पे नेगेटिव आके इस पे आके क्या कर देता है? अटैक कर देता है। इस पे आके क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इसको बाहर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाता है। सबसे पहले तो हाँ ऐसे बन जाता है। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। सबसे पहले जैसे ही यहां तक बनता है ना, यहां तक, तो उसके बाद इसमें ना पता है क्या, ZnHg भी दे देता है। क्या देता है? ZnHg। अब जब ZnHg है तो आपको पता है कि यह कार्बोनिल कार्बन का जो ओ है वो क्या कर देता है, हटा देता है। यह वाला कार्बोनिल कार्बन का ओ हटा देता है, तो ये वाला हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। नहीं समझ आया क्या, मैं फिर से बता दूं? आप लोग कल कोशिश किए थे, ये बताओ, अगर जो कोशिश किया होगा ना कॉपी पे बनाने का उसको समझ आ रहा होगा, तो आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है वो कोशिश कर लो एक बार। सर नीचे वाला कार्बोनिल ग्रुप नहीं हटेगा? उसके पहले ही वो हट चुका होता है, उसके पहले ही, अटैक करने के पहले ही वो हट चुका होता है। फिर से बता दूं? बताओ बताओ, फिर से बता दूं मैं? समझ आया कि मैं फिर से बता दूं? अरे बोलो आप लोग। सर एक बार और, एक बार और बता देता हूं। हमारे पास बेंजीन है, मैं, हाँ जी बताओ, हमारे पास यह रिएक्शन है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यह वाला आके इस पे अटैक करेगा, बोलो, यह वाला माइनस आएगा इस पे, जब यह वाला माइनस इस पे आएगा, जब ये फिर से वापस आएगा तो क्या इसको बाहर कर देगा क्या? दीपांशी बताना आप। यस सर। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो मैं बनाता हूं कैसे, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, क्लियर है। अब इस डबल बॉन्ड से यह वाला बॉन्ड टूटा है ना, यह वाला, यह नीचे वाला तो ऐसे ही चल रहा होगा, देख लेते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, और फोर्थ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वो है, और क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यह क्या करेगा, हट जाएगा, और हट जाएगा तो क्या एरोमेटिसिटी फिर से बन जाएगा क्या बेंजीन में? यस सर। यस सर। यस सर, बन जाएगी। ये बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और ऊपर वाला कीटोन। अब ये बताओ कि हमारे पास ZnHg और HCl है, तो क्या यह वाला गायब हो जाएगा क्या? यस सर। केवल एल्डिहाइड और कीटोन से गायब होता है ना? यस सर। अब ये फिर से यह वाला आके इसमें अटैक कर देगा, तो देखो केवल ऊपर वाला ही गायब हुआ ना? यस सर। समझ आ गया क्या दीपांशी? यस सर। कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है। अगर इसमें फिर से ZnHg एनर्जी दे दिया जाए तो नीचे वाला भी गायब हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। इसको भी ना मैं वो कर देता हूँ। मैं एक बार ऐसे करता हूँ ना, आप लोग को ये पूरे चीज शेयर करता हूँ मैं।
थैंक यू सर, गुड नाइट सर। अरे जब भी मत जाओ पहले ये तो शेयर कर दो। ये बताओ ग्रुप में पहुंचा क्या आप लोग के? नो सर। नो सर। सर अभी नहीं आया। सर आ गया। यस सर आ गया। सर आ गया। नहीं है। आ गया सर। सर आ गया। बस। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। सर आ गया हमारे लिए। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।